असलम स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन इंग्लिश ग्रामर वी आर गोइंग टू डिस्कस टेंस वी आर गोइंग टू हैव एन इंट्रोडक्शन ऑफ टेंसेस सही इंग्लिश लिखने या बोलने के लिए टेंसेस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है हम जो कुछ भी बोल रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं वो किसी एक्शन को या काम को जाहिर कर रहा होता है तो टेंस बेसिकली शो करता है कि कोई भी एक्शन कब हो रहा है उसके स्पेसिफिक टाइम को यह डिनोट करता है सो द वर्ड टेंस मीन्स टाइम वक्त या जमाना टेंस डिनोट द टाइम ऑफ एन एक्शन एवरी थिंग डेट वी स्पीक शोज एन एक्शन एंड द टाइम इट सो इट बिलोंग्स टू अ स्पेसिफिक टेंस तो जो कुछ भी हम अपनी डेली कन्वर्सेशन में बोल रहे होते हैं वो किसी एक्शन को शो करता है या किसी एक्शन के टाइम को शो करता है कि कोई भी काम या कोई भी एक्शन किस टाइम पे हो रहा होता है तो इंग्लिश में वक्त या जमाना जो है वो तीन किस्म का होता है मौजूदा जमाना या मौजूदा वक्त को हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं गुजरा हुआ जमाना या वक्त पास टेंस कहलाता है और आने वाले जमाने या वक्त को हम फ्यूचर टेंस कहते हैं तो ये इंग्लिश टेंसेस की बेसिक टाइप्स हैं प्रेजेंट टेंस पास टेंस फ्यूचर टेंस सो दीज आर द थ्री बेसिक टेंसेस इन इंग्लिश लेकिन आगे इनमें से हर एक टेंस की चार मजीद एक्साम है सो ईच ऑफ दीजें ज फोर मोर टाइप्स आइए अब उनकी बात कर लेते हैं इंडेफिनिट टेंस कॉन्टिन्यूस टेंस परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो इंडिफिनिट टेंस होता है ये सिर्फ किसी काम के होने का बताता है इससे किसी काम के होने का पता चलता है ये ये नहीं बता रहा होता इससे ये नहीं पता चलता कि कोई काम जो है क्या वो हो रहा है या वो हो चुका है तो इसको हम कहते हैं टेंस जिस तरह के वो स्कूल जाता है वो स्कूल गया वो स्कूल जाएगा ठीक है इसमें सिर्फ एक्शन की बात हो रही है और टाइम की बात स्पेसिफिकली नहीं हो रही है इसमें टेंस कंटिन्यूस टेंस जो है ये किसी काम के जारी रहने के बारे में बताता है वो स्कूल जा रहा है वो स्कूल जा रहा था या वो स्कूल जा रहा होगा परफेक्ट टेंस जो है ये किसी काम के मुकम्मल होने को जाहिर करता है वो स्कूल जा चुका है वो स्कूल जा चुका था या वो स्कूल जा चुका होगा और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है ये किसी काम के मुकर्र वक्त या मुकर्र मुद्दत से जारी होने को जाहिर करता है मसलन वो सुबह से पढ़ रहा है वो एक हफ्ते से अमेरिका में है इस तरह के जुम्मे तो जैसे कि हमने बात की कि इंग्लिश में थ्री बेसिक टेंसेस हैं और उनमें से हर एक टेंस की चार मजीद जो है वो टाइप्स हैं इस तरह हमारे पास ट्वेल्व टेंसेज बनते हैं इंग्लिश में तो इंग्लिश में जो टोटल जो हैं ऑल एंड ऑल जो हैं वो ट्वेल्व टेंसेज होते हैं आइए अब हम चार्ट में उन तमाम ट्वेल्व टेंसेज की बात कर लेते हैं तो टेंसेज ट्वेल्व हमारे पास ये होंगे तो थ्री मेन जो है टेंसेज हैं, टेंसे हैं प्रेजेंट टेंस पास टेंस एंड फ्यूचर टेंस और इनमें से आगे हर एक की फोर जो है वो मजीद जो है टाइप्स हैं इनडेफिनेट टेंस कंटिन्यूस टेंस परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इस तरह हमारे पास जो टेंसेस बनेंगे वही होंगे प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस पास्ट इनडेफिनेट टेंस फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पास टेंस एंड फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पास परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस अब इनके कुछ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की एग्जाम्पल होगी मैं स्कूल जाता हूँ पास्ट इंडेफिनेट टेंस होगा मैं स्कूल गया फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस होगा मैं स्कूल जाऊंगा और इनकी जो इंग्लिश है जैसे कि आई गो टू स्कूल आई वेंट टू स्कूल आई विल गो टू स्कूल इसके बारे में हम नेक्स्ट लेसन्स में बात करेंगे कि कैसे हमें उर्दू से पता चलता है कि कोई भी उर्दू के सेंटेंस को देख के हम इंग्लिश टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उसके शिनाख्त कैसे करते हैं और फिर उसकी इंग्लिश हम कैसे बनाते हैं ये हम नेक्स्ट लेसेंस में देखेंगे सो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा मैं स्कूल जा रहा हूँ पास्ट कंटिन्यूस होगा मैं स्कूल जा रहा था फ्यूचर कंटिन्यूस होगा मैं स्कूल जा रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो स्कूल जा चुका है पास्ट परफेक्ट टेंस होगा वो स्कूल जा चुका था और फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा वो स्कूल जा चुका होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की एग्जाम्पल होगी वो सुबह से पढ़ रहा है इसी को हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूज में कहें तो वो सुबह से पढ़ रहा था और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में होगा वो सुबह से पढ़ रहा होगा तो ये आज के लेक्चर में हमने इंग्लिश टेंसेस का सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा है हमने देखा है कि इंग्लिश में थ्री बेसिक टेंसेस होते हैं और उन बेसिक टेंसेस में हर एक के आगे चार मज़ीद एक्साम होती हैं इस तरह ट्वेल्व टेंसेस होते हैं इंग्लिश में तो नेक्स्ट लेसेंस में हम ये देखेंगे कि हम उर्दू के सेंटेंसेस को देखते हुए इंग्लिश टेंस का कैसे पता लगाते हैं कि वो सेंटेंस जो है वो इंग्लिश के कौन से टेंस का है और फिर उसकी इंग्लिश हम कैसे बनाते हैं तो नेक्स्ट लेसेंस तक मुझे इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज़